दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे, मोमोज बनाए हो तो खा लो यारो। तो ये देखिए दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन मोमोज, वो भी दोनों चटनी के साथ, हमारी मेयोनेज और ये हमारी लाल तीखी चटनी। और दोस्तों ऐसे आपको कहीं मोमोज नहीं मिलेंगे, मैं आपको एक पास से दिखा देता हूँ, फटाफट आ जाओ भाई फटाफट। ये घर पे बनाइएगा तभी मिलेगा। और ये देखो भाई साहब, ऐसे मोमोज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतनी ज्यादा फिलिंग और इतने पतले भाई लेयर, और प्लस में भाई आपको मेयोनेज और मोमोज वाली दोनों चटनी आपको बनाना सिखाई गई है। और इतना ज्यादा फन भाई, इतने मजेदार तरीके से हमने बनाई है जी, ऐसे ऐसे आपकी पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी ऐसे ऐसे। तो दोस्तों अगर आप मोमो खाने बाहर जाते हैं और आपको अगर दिक्कत होती है कि भाई ये जो बाहर की कोटिंग होती है वो मोटी होती है, तो हमारी बिल्कुल पतली, आप देखिए ट्रांसपेरेंट कितनी है, या आपको फिलिंग कम लगती है तो भाई आप खुद घर पे बनाओ भाई, कोई भी मोमो उठा के देख लीजिए सारे ट्रांसपेरेंट है, चाहे किसी भी प्लेट के हम उठा के देखे, देखिए सारे ट्रांसपेरेंट। अब बताओ भाई चाहिए क्या यार, फटाफट वीडियो को एंड तक देखो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कर देना भाई। ऐसा भाई, देखो लाइक बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं भाई। मैं बोल रही हूँ कि ऐसा प्लेट देख के कोई कैसे ना बनाए अपने घर में, हो ही नहीं सकता। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपको स्टीम खाने का मन नहीं है या ठंडे हो जाते हैं कभी कभी, तो फ्राई करके खा लेना भाई, एक नंबर पर भाई, स्टीम करके खाना, नहीं तो मोमोज खुल जाएंगे आपकी कढ़ाई में, ठीक है, याद रखना भाई, पहले बता दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैदा को छान देंगे मोमो बनाने के लिए, हम आधा किलो मैदा दिए हैं मोमो बनाने के लिए, और आज हम लोग बनाएंगे चिकन मोमो। तो यहीं पे हम एक टीस्पून नमक डाल देते हैं और एक टेबल स्पून रिफाइन ऑयल डाल देते हैं, इसको मिला देंगे, बढ़िया से मिला दिए हैं मैदा में नमक और तेल। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसका टाइट डो हम तैयार करेंगे, जिससे कि हम आसानी से मोमो बना सकें। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, प्याज वाले लाओ भैया, एक दो दे दो पहले, यहाँ पर देख लो भाई प्याज कैसे हैं, कब आ गया। हाँ देखिए मैदा का डो हमारा तैयार हो गया है, अब इसको रेस्ट कराएंगे हम लोग, रेस्ट कराएंगे। तो रेस्ट कराने से पहले हम यहाँ पे ना दो चार बूंद तेल डाल देते हैं, जितना हाथ में मैदा लगा है वो छूट भी जाएगा और हमारा डो बढ़िया से चिकना भी हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये मोमो का डो तैयार हो गया है, तो इसको ढक के रख देते हैं 10-15 मिनट रेस्ट पे। अब चलते हैं चिकन बनाने, चिकन लाए हैं उसको बारीक बारीक काटना पड़ेगा। चिकन मोमो के लिए सबसे पहले कीमा बना ले रहे हैं, कीमा बनाने के लिए दोस्तों आपको एक चाकू चाहिए, आप चाहे तो एक एक पीस को लेकर के कट कर सकते हैं, मैं एक एक पीस को लेकर ही कट करूंगी क्योंकि मेरा चाकू इतना शार्प नहीं है। आप चाहे तो कीमा बना करके भी चिकन मोमो में डाल सकते हैं या बिना इसके भी, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर बोन्स नहीं होने चाहिए, बोन्स होंगे तो फिर खाने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा मोमो का। इसी तरीके से हम सारे कीमा को बराबर कर लेंगे, बस ऐसे ही रैंडमली आपको कहीं पे भी मारना है, बराबर कट जाएगा। ऐसे हम सारे चिकन को काट ले रहे हैं। चिकन मोमो के लिए प्याज काट देते हैं बारीक बारीक, चिकन मोमोज के लिए यहाँ पर हम काट रहे हैं हरी मिर्च, और एकदम छोटी छोटी काट लेंगे जिससे पता ना चले भाई फिलिंग में। यहाँ पे हम चिकन मोमोज के लिए प्याज काट रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काटेंगे। मौसम है सुहाना, चिकन मोमोज है बनाना, कढ़ाई रखते हैं, तेल डालेंगे कढ़ाई में, सबसे पहले हम हरा मिर्चा डालेंगे कढ़ाई में, हरा मिर्चा डालने के बाद प्याज डाल दिए हैं, प्याज को हम ब्राउन भूनेंगे, हाँ
चढ़ गया ऊपर रे। चिकन डाल देंगे, कीमा चिकन। बहुत दिनों से जो भी हमारे दोस्त कमेंट किए हैं चिकन मोमो के लिए, आज तो मेरा मन खुश हो जाएगा खा के। चार पाँच मिनट चिकन को भूनने के बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन का हम पेस्ट डाल रहे हैं। अब मसाले डालेंगे हम, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर और 1.5 चम्मच या थोड़ा सा कम डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, नमक दे दीजिए और स्वाद अनुसार नमक। सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छा से भूनेंगे। अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, ऐसे 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको लगे कि चिकन का जो कीमा है बड़ा बड़ा है तो थोड़ा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं चिकन को पकाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए हम ढक्कन से ढक के छोड़ देते हैं, 5-7 मिनट पक जाता है, उसके बाद इसके ठंडा करेंगे और उसके बाद हम मोमोस में फिल करेंगे। मोमोस की चटनी के लिए हमने 5 टमाटर ले लिए हैं लाल लाल, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। हमें थोड़ी सी चटनी बनाएंगे और सब म्यूनिस भी बना रहे हैं टमाटर, और भाई म्यूनिस वाली भी बना रहे हैं टमाटर कम। अरे मज़ा आएगा पापा, ये टमाटर ठीक है। ये हमने लाल मिर्च थोड़ा सा सोक करके रखा है पानी में, और यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन लिया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले हमारे पास थोड़े से अदरक लहसुन जिसको हमने छील लिया अच्छे से, और यहाँ पर हमारे मिर्च जिसको हम पीस लेते हैं। तो यहीं पर हमने सारे टमाटर काट लिए हैं, और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, पानी जब हम डालेंगे अब इसको पकाएंगे हम। ये हमने टमाटर डाल लिए हैं, और यहाँ पर हम मिर्ची डाल लेते हैं, और अदरक लहसुन हम पहले डाल चुके हैं इसके अंदर, पीस लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो हम म्यूनिस बनाएंगे दूध से, 1 कटोरी हम दूध लिए हैं, फिर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक। चीनी को इस तरह घोल दिए हैं, यही डालेंगे विनेगर 1 टेबल स्पून, और यहीं पे जितना दूध लिए थे उतना ही हम तेल लिए हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा कम कम हम डालेंगे, और इसको पीसते रहेंगे और बनाते रहेंगे। थोड़ा तेल डालेंगे, इसको मिक्सी चलाते रहेंगे, दूध लिए हैं उतना ही तेल डालना होता है, लेकिन हम कम कम डाल के पहले 2 मिनट फिर इसको मिक्सी जार में चला लेंगे ढक्कन बंद करके, और फिर थोड़ा डालेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, तेल थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है दूध से। तो इसका हम ढक्कन बंद कर दिए हैं, और इसको हम बना के दिखा रहे हैं आपको कि तेल हमारा कितना लगा, फिर आपको हम बताते हैं। अब हम चटनी बना लेते हैं मोमोज का, तो थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, कोई सा भी ऑयल डालें आप, चटनी डालेंगे। चटनी को धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जितना मोटा पतला रखना है उतना पानी ऐड करें, मैं यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी, ऐसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चटनी में देखिए कितना अच्छा उबाल आने लगा है, तो हम यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 मैगी मसाला डाल देंगे। ये मैगी मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह पर अजीनोमोटो डालें। और 2 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। आप चाहें तो बाजार जैसा चटनी दिखने के लिए थोड़ा सा फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं भी वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा तो डाल भी करेंगे। तो चटनी हमारा तैयार है, इसे हम रख लेते हैं उतार के, अब चलते हैं मोमोज बनाने। देखिए हमारा मैदा एकदम बिल्कुल सेट हो गया है, तो इसका हम लोई बनाएंगे। तो इसको गिलास से काटोगे कि छोटा छोटा काटोगे, कैसे बनाना है? छोटा छोटा लेंगे, बाकी आटा को हम ढक के रख देंगे
यहाँ पे मैं अपनी फीलिंग्स जो हमारी उसको ठंडा कर रहे हैं। फीलिंग अगर गर्म होगी तो मोमो भरने में परेशानी आ जाएगी आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ललित द शेफ हमारे घर के आ चुके हैं और भर के दिखाएंगे आज। तो यहाँ दोस्तों हम भर रहे हैं मोमोज की फिलिंग और बनाएंगे एकदम मोमोज बाजार की तरह। भाई बाजार की तरह बिल्कुल चिकन मोमोज बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो अभी सबसे पहले हम फिलिंग लेते हैं, दो तरीके से बनाएंगे। अभी हम पहला तरीका बनाते हैं। तो ये है पहला तरीका, इसको वेज मोमोज की तरह नहीं बनाएंगे क्योंकि भाई अगर चिकन मोमोज है तो वो चिकन मोमोज जैसे दिखने भी चाहिए। ठीक है। और तो ये देख रहे हो ना भाई, तो कितने बढ़िया फीलिंग हुई है। हाँ, फीलिंग ठंडी हो जानी चाहिए आपकी। हाँ तभी भरे भाई। यहाँ पे अभी हम लोग देखिए दोस्तों कैसे, एक को ऐसे लेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, फटाफट बेला जा रहा है और भाई हमारे शेफ आ चुके हैं, दाल ललित देख सकते हो भाई। देख रहे हो ना भाई कैसे लोई पे इन्हें डाला फिलिंग। भाई फिलिंग ठंडी होनी चाहिए आपकी, अगर फिलिंग ठंडी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। और भरने का तरीका बता दो भाई। देख सकते हैं, बस सिंपली फोल्ड करने हैं, कोई ज़्यादा, एक तरफ से ऐसे ही रखना है नॉर्मल और एक तरफ से बस फोल्ड करते जाना है। एक बार और आपको करके दिखा दूंगा इसके बाद भी। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे करते जाएंगे, इससे एक के ऊपर एक चुन्नट बनाते जाएंगे और लास्ट में बंद कर देंगे और फिर इसको हल्का हल्का ऐसे ऊपर से दबा देंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारे मोमोस बनके तैयार हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे मोमोज हैं, छोटे छोटे मोमोज खाने में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों फटाफट एक और आपको बना के दिखाते हैं। और इधर पापा भी भाई धारा सिंह की रफ्तार से बना रहे हैं। ये भाई पापा ने पहले थोड़ा सा फोल्ड कर लिया और इसके बाद इसको भरना शुरू कर देंगे। ये देखो भाई, देखिए दोस्तों, देख रहे हो ना भाई, लाला जी का अंदाज ही अलग है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अभी नॉर्मल है, डाला हमने फिलिंग उसके ऊपर। अब यहाँ पर हम नॉर्मल, देख यहाँ पर एक बनाएंगे, चोंच बनाएंगे। चोंच बना दी, यहाँ पर हमने चोंच बना दी। ठीक है, अब यहाँ से इसके चुनट्टे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पहली, उसके बाद ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी, बस उसके ऊपर के ऊपर ऐसे चुन्नट बनाते जानी है, बनाते जानी है, बनाते जानी है, बनाते जानी है। और फिर यहाँ पे लास्ट में दबा देना है, पूरा ऊपर तक कर देना ताकि अच्छे से चिपक जाए, कि बाद में खुले ना। और यहाँ पे हमारे मोमोज बनके तैयार है। इसको फटाक से रख लेते हैं और झटाक से चलते हैं भाई पानी गर्म करने के लिए। सो भाइयों और बहनों, फटाफट बना लो, चलते हैं ब्रांच मैनेजर के पास, देखते हैं ब्रांच मैनेजर क्या कर रहे हैं भाई। तो ये देखिए दोस्तों, ब्रांच मैनेजर के पास आ चुके हैं। और मैडम जी, ये क्या गर्म कर रहे हो? पानी। पानी क्यों? मोमोज बनाएंगे इसमें। मोमोज वाला बर्तन नहीं है तो बनाओगे कैसे मोमोज? मैं एक छन्नी में बना लूंगी, आटा चालने वाला में बन जाता है, बहुत से तरीके हैं। अच्छा जी, बड़े स्मार्ट हो जी। कपड़ा बांध के बन जाता है। अच्छा जी, बड़े स्मार्ट हो जी। कुछ भी छन्नी भी नहीं है तो कपड़ा बांध दीजिए। बड़े स्मार्ट हो जी आप तो। दाल गरम करके रखी थी तो पैर में छू आ गया और कैमरा मैन का पैर ही जल गया। बड़ी नाइंसाफी है रे यहाँ पर। ये देखिए, दाल गरम करके इस हांडी में रखी हूँ। बड़ी नाइंसाफी है रे। देखो फूलो, देख रहे हो मेरे कितना कठोर व्यवहार किया जा रहा है। तो कौन बोला उधर जाने के लिए? तो चलो दोस्तों, आपको थोड़ा अमरूद से मिला देते हैं। ये देखिए क्या हाल है भाई, बढ़िया ना, मस्त बारिश ही बारिश है। और फल वल कब आ रहे हैं? अगले साल इंतजार करो। क्या बात है, हमें सही सही जवाब दे रहा एकदम। बच्चा है मेरा। तो आपका बच्चा है पर तो मेरा भाई बना। इतना छोटा सा पाल रही हूं। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही एक छेद छेद वाली एक प्लेट है, ये सबके घरों में मिल जाती है अक्सर। और इसी में हम भाई डाल लेते हैं फटाफट, यही हमारा जुगाड़ है भाई आज का। यहाँ पे हमने स्टेनर को ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है ताकि हमारे मोमोज चिपके ना। तो ऐसे ही हम सारे मोमोज को बिछा ले रहे हैं यहाँ पे और फटाफट खाने के लिए तैयार कर रहे हैं भाइयों। ले जा मम्मी के पास, इतना ही बना है। हाँ इतना ही बहुत है। तो ये देखिए दोस्तों, फटाफट स्टीम कर लेते हैं इसको। पर्दा है परेदा, पर्दे के पीछे मोमोज छुपा है।
जो नहीं खाना है तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दो मम्मी। इसके लिए मतलब मैं कुछ भी कर लेती हूँ। अच्छा हाँ। कुछ भी, चलो फिर गाना सुना दो। मैं गाना सुना दो भाई फिर सबको। 1 2 रेडी रेडी। हाँ सुनाओ। कौन सा सुना, भूल गया क्या सारे गाने? नहीं याद है, मतलब मैं नया सुनाने की कोशिश करूँ। मोमोज पे तो भाइयों मम्मी मोमोज पे गाना याद कर रही हैं, सुन लो भाइयों। मम्मी दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे, मोमोज बनाए हो तो खा लो यारो। पक रहा है ना? हाँ पक रहा है यारे। और बताओ मम्मी, और बस इतना ही आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। चलो इसके लाइक तो मिल ही जाएगा ना दोस्तों, फटाफट लाइक कर देना। मम्मी लाइक कैसे करना है? ऐसे दोस्तों आप लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों, शाम हो गया है, शाम के टाइम में हम लोग मोमोज बना रहे हैं। पूरा मोमोज बना लिया, खाने की बारी आ रही है तो गुड इवनिंग कर रहे हो है। तो दोस्तों अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, फटाफट पक जाने दो, इंतजार किस चीज का है? मोमोज का। दोस्तों हमारे मोमो तैयार हो गए हैं, हम फटाफट से आपको सर्व करके दिखाते हैं। मोमो गरम गरम, मोमो गरम गरम। तो ये हमारी मोमो की पहली प्लेट तैयार है दोस्तों। यहाँ पर हमने मेयोनीज भी बना ली है, घर पे बनाई हुई है दोस्तों। और यहाँ पे हम डाल लेते हैं, देख रहे हैं आप कितनी थिक है, ऐसी चाहिए होती है, घर की होती ताज़ी तो ऐसी दिखती है दोस्तों। और साथ ही हमने मोमो की चटनी भी बना ली है, तो इसको हम डाल लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल गाढ़ी तीखी मोमो की चटनी। सबसे पहला प्लेट हम किसको देंगे आपको तो पता ही है, मम्मी को। मम्मी को तो मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों हम ऐसी सारी प्लेट सजा करके तैयार करते हैं मोमो की, और फटाफट से खाना शुरू करते हैं। क्या फीलिंग इसके अंदर दिख रहा है। तो दोस्तों चिकन मोमो आ गए हैं प्लेट में, और अब जाएंगे सबके पेट में। किसका किसका पेट में? हम सबके पेट में, सारे सभी दोस्तों के पेट में और हमारे पेट में। तो दोस्तों देखिए शाम का नाश्ता, ऐसा कोई नहीं है कि जो दिल्ली में रहता हो या कहीं भी रहता हो आजकल शाम को मोमोज ना खाया हो। और भाई मोमोज इतने बढ़िया जो आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, भाई देखो सॉफ्टेस्ट देख लो, करीब आके देखो। और मोमोज अंदर से जूसी होंगे, अगर आपको शिकायत है भाई अंदर से जूसी नहीं होते तो देखो कितने जूसी है भाई। भाई ओए होए, मेरे को लेट नहीं हो रहा। और स्पेशल फीलिंग है मम्मी ने बनाई है, और फटाफट से इसमें डिप करते हैं, और थोड़ा तो भाई हम ये भी लेते हैं, और अब हो जाते हैं शुरू। दोस्तों देखिए इधर आ जाइए मेरे पास दोस्तों, एक मोमोज दे देते हैं, थोड़ा सा चटनी थोड़ा सा मेयोनीज सब लगा के खिला देते हैं। ये लीजिए, मत बोलिएगा कि अकेले अकेले खाते हैं अनीता जी। और भाई मज़ा आ गया भाई आज तो। और कितने दोस्त ऐसे हैं जो मोमोज के पेप्सी पसंद करते हैं भाई? तो ये लीजिए सबसे पहले आपके लिए, और फिर हम खा लेते हैं। जो खाए ना, जो ना खाए वो पछताए, जो खाए वो भी पछताए कि कब फिर ये। भाई आप कब बना रहे हो यार, फटाफट बताना भाई कमेंट बॉक्स में। और आपको कौन से मोमोज सबसे ज्यादा पसंद है वो जरूर बताइएगा। अगली रेसिपी कौन सी चाहिए भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं मेरा जिगर के चलो एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले प्लेट तो फिनिश करके जाइए। आइए आइए जल्दी जल्दी आइए। अच्छा सा कमेंट आता है, कितना मजा आता है ना, वही चीज बनाओ और खाओ।